गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सबसे बड़ा मसला डेटा का होता है, और यही मसला असल में केपी फूड सेफ्टी अथॉरिटी का था। हमें ये नहीं था पता कि हमारे पास टोटल फूड बिजनेसेस कितने हैं और किस कैटेगरी में कितने हैं और कहां पे वाक़या है। डायरेक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी कि हम जियो टैगिंग करेंगे और पेशावर को एज अ पायलट लेंगे, उसके लिए हमने 10 टीमें बनाई, चार मेंबर्स पे मुश्तमिल, जो तकरीबन 40 लोग थे। क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू भी था, लेकिन साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी को भी कुछ खदशात हो सकते थे। उस हवाले से उनको समझाया कि किस तरह आपने उनको समझा कि ये खुश असलूबी से ये काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14,569 फूड बिजनेसेस को जियो टैग किया। तो जियो टैग करने के बाद इस तरह उसका एक शेड्यूल बनाएंगे विजिट्स का कि एटलीस्ट हर फैसिलिटी 3 महीने में ज़रूर एक दफ़ा विजिट हो, और कंप्लेंट्स पे और भी ज़्यादा दफ़ा विजिट हो सकती है। हमने एक तो अपना एक टोल फ्री नंबर भी ले लिया है, उसके अलावा एक व्हाट्सएप का नंबर भी हमने ले लिया है जो सिटीजन जाते हैं, ताकि वो पिक्चर के साथ हमारे साथ डेटा शेयर करें, वॉइस मैसेज भी वो उस पर कर सकते हैं। व्हेनेवर आवर टीम एंटर्स और इंस्पेक्ट एनी फूड बिजनेस, तो वो हमारे पास रियल टाइम डेटा उसका आ जाता है, और फिर हम उसमें इंस्पेक्शन की कैटेगरी ऐड करते हैं, तो हम ऑन द स्पॉट फाइन भी कर लेते हैं उनको, ऑन द स्पॉट हम उनकी इंस्पेक्शन भी कर लेते हैं। इसका हमें ये भी फ़ायदा होता है कि आइंदा हम अपनी टीम्स को इंस्ट्रक्शंस दे सके कि हमारा ये एरिया कवर्ड है और ये एरिया हमारा अनकवर्ड है, जैसे फार फ्लंग एरियाज हुए जहाँ पे हमें इंस्पेक्शंस की और विजिट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक को ये फ़ायदा होगा कि किसी एक जगह पे हमारा फोकस नहीं मुर्तकिस होगा, बल्कि वो एरियाज जो पहले नज़रअंदाज हो जाती थी जगह, अब वो डैशबोर्ड पे आ गई है। जो हमारी इंस्पेक्शन रिजीम है वो हर जगह को लुक आफ्टर करेगी, और जब हमारे लोग जाएंगे तो वहाँ पे फूड बिजनेसेस बेहतर होंगे, हमारे एसओपीज़ फॉलो होंगे और उनको मयारी खुराक मिलेगा, मिलावट से पाक।